आप सभी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भैया आप क्या कर रहे हो, कि हम लोगों का तो कुछ डालते ही नहीं हो आर्ट्स वालों का, आप मैथ्स एंड बायो वाले ही का ही डाले जा रहे हो उनके फिजिक्स की वीडियोस, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो यार क्या करें, टाइम नहीं मिल पाता है और हर सब्जेक्ट का डालना थोड़ा मुश्किल होता है ना इस वजह से। तो फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो आ गई है एंड इस वीडियो से आप उत्तरमासिक एग्ज़ाम में आप ये समझो कि 80+ यहीं से आने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत से PDF बनाई गई है प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर। अब जो रियल पेपर है इससे काफ़ी ज़्यादा मैच खाएगा, क्योंकि मेरे पास जो अभी पेपर्स आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक रियल है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली तो प्रोवाइड नहीं करा सकता है ना, समझ सकते हो आप लोग। ओके, तो इस ऐसे में प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, एंड आंसर्स की रही बात की, भैया आंसर्स तो YouTube में सभी लोग पेपर डाल रहे हैं लेकिन आंसर नहीं डालते कोई, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यार, टॉपर सॉल्यूशन। ओके, तो फाइनली ये रहा आपका आंसर्स। ओके, पहला क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है, तो वो है फ्रेंच एंटीवॉल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में स्थान है, उसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, क्योंकि जनसंख्या अब कुछ भी हो गया हो लेकिन जीएर है करीब 2011 एंड 2014 की जनगणना के अनुसार, है ना। नेक्स्ट आंसर आ जाता है प्रशासनिक नगर है, तो वो कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी कोयला नदी कहलाती है, तो वो हो जाएगी राइन। आप लोग कॉपी बना लो, मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर जितनी भी वीडियोस लाऊंगा आर्ट्स के लिए, क्योंकि आर्ट्स के लिए यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियोस नहीं बनाता, वो रीज़न ये है ना यार, क्योंकि आर्ट्स में व्यूज़ नहीं आते यूट्यूब ग्रो के, एंड मेरा ये फंडा है कि व्यूज़ आए या ना आए मैं इतना अर्न कर लेता हूँ यूट्यूब से कि आप लोगों के लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, तो बस 7 देना है एंड 12th में फोड़ना है 90+। ओके, 7 हो आप सभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का प्रथम संचार उपग्रह है, तो वो हो जाएगा एप्पल। ये तो सुना होगा ना नेम। नेक्स्ट आ जाते हैं मेन क्वेश्चन, जिससे अपना जो मार्किंग स्कीम जो अपन के मार्क्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। चलो देख लेते हैं, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, या रोपण कृषि की कोई 5 विशेषताएं बताइए। अब इसके आंसर्स की टेंशन मत करिए यार, आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और इसके आंसर्स पता अगर आपको नहीं भी अगर मैं प्रोवाइड करा सका, क्योंकि अगर बिजी हो गया, तो अब सिंपल गूगल पर जाना और बोलना, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है तो उधर पे बोलना प्रभास को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, तो जो गूगल पर पहले सबसे पहले 4-5 लाइन जितनी भी लाइन आएंगी वो लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भौम जल के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। एंड अथवा वाला क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व या विशेषताएं बताइए, अथवा है माध्यिका की विशेषताएं को समझाइए। गाइज आप लोग बोलते हो ना PDF क्यों नहीं सर आप प्रोवाइड कराते, तो यार PDF पता नहीं क्यों WhatsApp टेलीग्राम पर भेजी नहीं रही है। आप लोगों का कोई सॉल्यूशन हो तो यार प्लीज़ कमेंट्स में बताना, एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट पर मतलब नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए वो भी बताना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हो, विश्व में विरल जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों के नामों का वर्णन कीजिए। अब नाम बस नहीं लिखना है, वर्णन करना है। ओके नेक्स्ट है, मतलब नाम भी लिख सकते हो लेकिन उसके पहले ये बताना है पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रभास के किरणों की विवेचना कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा मानव विकास उपागम क्या है, उपगम भी लिख सकते हो, मानव विकास के मुख्य उपगमों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है, वृद्धि और विकास के अंतर को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है खनन क्या है, खनन की विधियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कितने ज़्यादा क्वेश्चन है, आप आर्ट्स वालों को जो लोग कहते हैं ना कि इनका सरल रहता है यार सरल, आप लोगों का मेरे हिसाब से ना आर्ट्स बहुत मतलब काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ्स एंड फिजिक्स में ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आंसर नहीं होते, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स रहते हैं, एंड हाँ वो कठिन है लेकिन आर्ट्स भी देखा जाए तो बहुत कठिन है ना, बहुत बड़े बड़े आंसर सन मतलब जो डेटे रहती हैं वो याद करना तो और मुश्किल रहता है ना, आप लोग समझ सकते हो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की आर्थिक विकासों में सड़कों की भूमिका का वर्णन करो, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में फसल ऋतु का वर्णन कीजिए।
और एक और बात करना था आपसे, जो लोग बोलते हैं कि ना आर्ट्स, जो लोग मैथ ही रहते हैं वो लोग कहते हैं कि यार तुम तो आर्ट्स लियो, तुम्हारे लिए तो क्या ही है, मतलब ये तो सरल है, कुछ भी लिखाओ तो पास हो जाओगे, बोलते होंगे, कई लोग बोलते होंगे ना, उनसे बोलना कि जो आप लोग ट्वेल्थ के बाद आर्ट्स की डिग्रियाँ लेते घूमते हो उसका क्या है ना, बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी करते है ना, मतलब बीए करते हो, जो भी सब रहता है वो क्यों करते हो, फिर आर्ट्स क्यों लेते हो आप लोग ट्वेल्थ के बाद, एक बार बोलना ठीक है, अगर कोई भी बोले। ओके नेक्स्ट है, भारत में फसल ऋतु का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल संभर प्रबंधन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद 16, ये हमारी पीडीएफ यहाँ पर ख़त्म हुई, आई थिंक 15 ही क्वेश्चन है। ओके तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद कमेंट्स में बताना है क्या ही प्रॉब्लम आ रही है आपको, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर प्रॉब्लम आ भी रही होगी तो वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना, क्वेश्चंस ही तो हैं यार, क्वेश्चंस आपको गूगल पर मिल जाएंगे, अगर फिर भी नहीं मिल रहे तो फिर एक हल्का सा कमेंट छोड़ देना, आपके भाई टॉपर सॉल्यूशन साथ हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है, एक कमेंट बस करना है आपको, उसके बाद वीडियो तुरंत हाजिर हो जाएगी सॉल्यूशन वाली। ओके ओके तो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए कॉपी में लिख के याद करके नेक्स्ट वीडियो देखने आना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।